हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताओ, क्या डिजिटल मार्केटिंग है, क्या कैसे सीखा जाए, और क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग पे हूं तो उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो आप अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपना, अगर आप अपनी कंपनी बना लेते हैं। क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या चैलेंजेस आपको फील करने होते हैं, कहाँ से आप सीख सकते हैं, तो कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना ताकि ऐसे वीडियोस जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बात करते हैं दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अभी क्या है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो मैं बता देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केटिंग करना, सेम है, बट यहाँ पे आप जो मार्केटिंग करते हैं वो डिजिटली करते हैं। यानी कि आपने देखे होंगे बहुत सारी कंपनीज के सोशल मीडिया पेजेस बने हुए हैं, जैसे कि फेसबुक पेज हो गया, ट्विटर पेज हो गया, या फिर यू नो यूट्यूब चैनल बना है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से मैनेज होती है, कोई ना कोई तो करता होगा ना वहाँ पे। एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, तभी आप जो है डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आज का जो ज़माना है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं, और ऐसे में आने वाले समय में 5G भी आने वाला है, तो ये चीज़ और बढ़ेगी इंडिया में। तो मार्केटिंग को डिजिटली करना इज डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स इट। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कि आप जो है बैनर लगे देखते थे, पोस्टर छपते थे, वहाँ पे कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती थी और एनालिटिक्स के नाम पे आपके पास कुछ नहीं होता था। बट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप सब कुछ चेस कर सकते हैं, कि आप जो अपनी ऐड देने वाले हैं तो वो कहाँ कहाँ देने वाले हैं, किन एज ग्रुप्स के बीच में देंगे, कितने लोगों ने देखा, कितने इंप्रेशन क्रिएट हुए, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। जितनी भी बड़ी कंपनीज है आज की डेट में, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो, कोई भी देख लो, डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंड कर रही है। और ये जो पैसा है दोस्तों जो स्पेंड हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग पे, ये साल दर साल बढ़े जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कंपनीज को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, राइट। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर कोर्स किया है तो ही आप सीख सकते हो। आप चाहे कॉमर्स के रहे हो, साइंस के रहे हो, आर्ट्स के रहे हो, किसी भी फील्ड के रहे हो, कोई भी डिग्री आपने ली है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, राइट। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है जो लोगों को सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल था, मशीन लर्निंग शामिल था, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आप कंप्लीट लिस्ट देखना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उन टॉप स्किल्स के बारे में बात की थी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, उस लिस्ट में डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी शामिल था। यानी कि आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग की बहुत वैल्यू रहने वाली है। बट यहाँ पे सवाल आता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखे कैसे। अब हमारा जो देश के कोर्सेज है, जैसा कि मैंने बताया, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, वो सारी चीजें सिखाते हैं जो आपको काम नहीं आती है, बहुत कम काम आती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा देते हैं, बट उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती है। कोई 50,000 चार्ज कर रहा है, कोई 70,000 चार्ज कर रहा है, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास पैसों का कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है पैसे खर्च करने में, तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली आपको क्या सिखाया जाएगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है, ब्लॉग कैसे काम करते हैं, वेबसाइट्स किस तरीके से काम की जाती है, SEO कैसे होता है, रैंक में कैसे लाया जाता है, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, क्योंकि वीडियो मार्केटिंग का भी जो मार्केट है वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, तो ये भी चीज़ आप सीखेंगे। साथ ही साथ SEO से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप सीखते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो 6 मंथ्स में भी कोर्स हो सकते हैं, 2 मंथ्स में भी कोर्स हो सकता है, इवन मैं तो कहूँगा कि 1 महीना भी बहुत काफ़ी है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स वगैरह क्या करते हैं, अपने फीस को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, कोर्सेज को खींच देते हैं। तो उसमें क्या आप सोचते हो, आप 6 मंथ्स का कोर्स कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीख लोगे 6 मंथ्स का कोर्स करने में। बट यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, चाहे आप कितने भी कोर्सेज कर लो, जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। भले ही आपने 6 मंथ्स का कोर्स कर लिया हो या 2 मंथ्स का या जितने महीने का आपने कोर्स किया हो, आप ये मत सोच लेना कि भाई आपने कोर्स कर लिया और आप जो है यहाँ पे ट्रेंड हो गए। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि आपको चीज़ों को करके देखना है। लेट्स से आपने ब्लॉगिंग के बारे में सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग,
मार्केटिंग में। अब जब तक आप उसको बना के नहीं देखेंगे अपना ब्लॉग, उसमें पब्लिश नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ब्लॉग चलता कैसे है, रन कैसे करता है, उसका SEO कैसे होता है। तो प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो ब्लॉग कैसे बनाना है, साथ ही साथ ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, इन सारी चीजों पर दोस्तों आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं उन वीडियो को। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कि जॉब मार्केट कैसा है, अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे तो क्या अच्छी जॉब मिल जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज आपको इंडिया में मिल रही है, वो आपको ज्यादा सैलरीज प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, अनलेस एंड अंटिल आप बहुत जो है आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और आप बहुत बड़ी कंपनी के पास जा रहे हो। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 10,000 से 25,000 रुपए के बीच की सैलरी मिल जाएगी अगर आप फ्रेशर है, और फ्रेशर के लिए इतनी सैलरी यहाँ पे काफी है, क्योंकि अगर आप एक फ्रेशर है तो आपको बहुत सारी चीजें अंदर की नहीं आती होंगी और आप वो सारी चीजें तब सीखेंगे जब आप जॉब में जाएंगे। तो यहाँ पे पैसों का लालच मत करना शुरू में। यहाँ पे अगर आप लोगों को चीज़ें सीखनी है तो आपने कोर्स कर लिया है या फिर आपने जहाँ से भी सीखा है, आपने जॉब मिल गई आपको डिजिटल मार्केटिंग की, उसके बाद आप उस कंपनी में रह के कुछ साल सीखो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना करना है या फिर जो है आप जो है उसी जॉब में रहना चाहते हो अगर आपकी सैलरी अच्छी है। यही अप्रोच रखोगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख पाओगे, वरना अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट कर लिया और मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो बॉस यहाँ पे आप बहुत गलत सोच रहे हो, ये मत सोचना। प्रैक्टिकलिटी पे जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ये खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो हमारी कोशिश रहती है आपको कुछ नया बताने की, समझाने की, वो पूरी हुई होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, एजुकेशन, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।